पद्मश्री मीनाक्षी अन्य छात्रों की तुलना में जब बच्ची थी तो नृत्य का बहुत शौक रखती थी। उनके लचीलेपन और फुर्तीले फुटवर्क को देखकर उनके डांस मास्टर ने 7 साल की छोटी उम्र में ही मीनाक्षी को कलारी पयट्टू में प्रशिक्षण देने की सलाह दी। यह न केवल सिर्फ 7 वर्षीय मीनाक्षी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि कलारी पयट्टू के लिए भी, जो कि केरल का सदियों पुराना मार्शल आर्ट खेल है। यह केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी काफी चर्चित है। हालांकि उस वक्त मापदंड के अनुसार लड़कियों को 13 वर्ष की आयु के बाद ही कलारी पयट्टू में प्रशिक्षण दिया जाता था। उत्तर केरल के प्रसिद्ध गाथा गीत वडक्कन पटुकल के बहादुर योद्धा थचोली ओथेनन और उनिया राचा की भूमि पर पैदा हुई मीनाक्षी ने इन मापदंडों को तोड़ दिया। वे 13 साल के होने के बाद कलारी पयट्टू का अभ्यास जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प थी। मात्र 7 साल से ही शुरू हुआ उनका ये सफर पिछले 70 सालों से जारी। गुरुकल मीनाक्षी अम्मा कलारी साड़ी बांधे हुए अपनी उरूमी कला से लुभाती और लकड़ी की बेंत से लैस किसी युवा से लड़ने के लिए बिल्कुल फिट है। उनका फुर्तीला फुटवर्क लाजवाब है और अभी भी दर्शकों को काफी रोमांचित कर देता है। जिस समय उन्होंने यह सीखना शुरू किया था, उस वक्त मीनाक्षी ने अपने पुरुष सहपाठियों को कलारी की अन्य विधाओं मय पायट्टू, कोल थारी, अंगा थारी और वरुम काई में पीछे छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, लड़ाई के दौरान वे काठी यानी चाकू, उरुमी और वाल यानी तलवार जैसे हथियारों के कौशल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती थी। 10वीं कक्षा के बाद औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने वाली मीनाक्षी ने अपने गुरु राघवन से शादी की, जो कि एक प्रसिद्ध कलारी शिक्षक और कद थानद कलारी के प्रतिपादक थे। उसके बाद कलारी ही इनका जीवन हो गया। कलारी पयट्टू दंपति राघवन और मीनाक्षी कद थानडू में मंदिरों त्योहारों में आयोजित कलारी अभ्यास के दौरान एक साथ प्रदर्शन करती थी। इन प्रदर्शनों के माध्यम से ही युगल को कलारी पयट्टू दंपति के रूप में जाना जाता है। उनके पति कलारी विशेषज्ञ राघवन के निधन के बाद मीनाक्षी अम्मा को अपने कलारी की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी। अपने पति की मौत के 41वें दिन मीनाक्षी अम्मा अपने बच्चों और छात्रों के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंच पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। तब से वे कलारी के माध्यम से एक सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ रही हैं और अपनी उम्र से भी लड़ रही हैं। 2 മാസം കൂടെ ഞാൻ കുറെ കളിച്ചു, പിന്നെ 1 മാസം കൂടെ പകർക്കാവിനെ പോകും, പിന്നാലെ പോകും, എല്ലാ കാര്യത്തിലും 1 മാസം ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കണ്ട। कोरोना काल के दौरान भी मैं नियमित रूप से कलारी का अभ्यास करती रही हूँ। मैंने 7 साल की उम्र में कलारी सीखना शुरू किया था। शुरू में मुझे डांस करने का बहुत अधिक शौक था। मैंने 10वीं के बाद स्कूली शिक्षा बंद कर दी। शादी के बाद भी मैं अपने पति के साथ कलारी का अभ्यास करती रही। इसके बाद से कलारी ही मेरा जीवन का मकसद बन गया। मेरे पति बेहद सपोर्टिव थे। उनकी मृत्यु के बाद मैंने कलारी की जिम्मेदारी संभाली और अधिक सक्रिय हो गई। मेरे बच्चे और छात्र ही मेरी ताकत है। हमें कलारी शुरू किए 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ कई छात्र निशुल्क ही प्रशिक्षण ले रहे हैं। मीनाक्षी अम्मा को कलारी में उनकी विशेषज्ञता और सर्वोच्चता के लिए देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से भी नवाजा गया है। मुझे पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की उम्मीद नहीं थी। ये उन सभी अच्छे कामों का परिणाम है जो मेरे पति ने किए। अब ये बच्चे और छात्र ही मेरी ताकत है। उरूमी में अपने कौशल के साथ केरल के कोझिकोड जिले के वडकारा में कद थनट्टू कलारी संघम में तलवार और ढाल के साथ गुरुकल मीनाक्षी अम्मा लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, जिस वजह से स्थानीय लोग उन्हें समुराई अम्मा के नाम से बुलाते हैं। कलारी के लिए पहने जाने वाले विशेष पोशाक का उपयोग किए बिना मीनाक्षी अम्मा अपने नियमित पोशाक में ही अभ्यास करती हैं, जो कि काफी दिलचस्प है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मीनाक्षी गुरुकुल के नेतृत्व में विभिन्न कलारी प्रदर्शन और कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
मीनाक्षी अम्मा कहती हैं, मार्शल आर्ट से अधिक कलारी जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद मदद करता है। यहाँ दर्द और मोच के लिए प्रभावी कलारी आधारित उझीकिल यानी मालिश उपचार भी किया जाता है। वे कहती हैं कि सभी लड़कियों को कलारी सीखनी चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। हजारों लड़कियों ने यहाँ से कलारी सीखी है। मीनाक्षी अम्मा के चार बच्चे, जिनमें दो बेटियां और दो बेटे शामिल हैं, और पोते पोतियों ने भी कलारी सीखी है। उनके बेटे अन्य केंद्रों में चलने वाली कक्षाओं का नेतृत्व करते हैं। वे कहती हैं कि कलारी को स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। एक कलारी स्कूल तिरुवनंतपुरम में शुरू करने के लिए तैयार है। मैं सरकार से कलारी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आग्रह करती हूँ। मैं मंत्रियों और अन्य लोगों से मिलूंगी और ये मांग करूंगी। यदि सरकार इस मांग को लागू करती है तो मैं सभी तरह की सहायता प्रदान करूंगी। मीनाक्षी अम्मा कहती हैं कि कलारी सीखना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करेगा। अगर सरकार इस तरह की कोशिश शुरू करती है तो पद्मश्री मीनाक्षी अम्मा हर तरह से समर्थन करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।